हेलो फ्रेंड्स, मेरे इसी चैनल में चैनल यूट्यूबर एक्स की ट्रिकी टेक एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत अच्छी ट्रिकी टेक न्यूजेस जो आपके लिए बहुत अच्छी लगेंगी। उन न्यूजेस में आपके लिए बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी, तो आइए चलिए अपन वीडियो शुरू करते हैं और ट्रिकी टेक न्यूजेस को जानते हैं। फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट अपडेट आता है वो आता है हमारे पास मुकेश अंबानी जी की तरफ से, मतलब कि जियो की तरफ से आता है हमारे लिए फर्स्ट अपडेट। फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है, रिलायंस का आपके लिए अब जियो ब्राउजर मिल चुका है आपके लिए, जो कि एक बहुत अच्छा ब्राउजर माना जा रहा है अभी तक, जो कि उसके रिव्यूज मिल रहे हैं 1500 के करीब उसके रिव्यूज हो चुके हैं और समथिंग 1000,000 के करीब आपके डाउनलोड्स हो चुके हैं प्ले स्टोर पर। ये ऐप आपके लिए अभी ऐप स्टोर पर नहीं मिलेगा, ये सिर्फ अभी प्ले स्टोर वालों के लिए, मतलब कि एंड्रॉयड डिवाइस के लिए ही बनाया गया है। इसकी जो मेमोरी की बात करते हैं, समथिंग 4 से 5 MB के करीब का ये ब्राउजर है। आप जाकर इसे डाउनलोड कर यूज करके बताएं मुझे कमेंट में कि ये ब्राउजर आपके लिए कैसा लगा। फ्रेंड्स, इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट आता है फ्रेंड्स हमारे लिए एप्पल की तरफ से, जो कि हमारे एप्पल डिवाइस होने वाले हैं 2019 के, उसकी लीक्स आती है कुछ हमारे पास, जो कि एप्पल आईफोन X1 होने वाला है, मतलब कि 11 होने वाला है, उसमें लीक आती है। बैक साइड की डिजाइन पता चलती है उसमें आपके लिए, कि एक तो आपके लिए मैट ब्लैक का इसमें कलर मिल सकता है और ऊपर में लेफ्ट साइड में कॉर्नर में आपके लिए लगे मिल सकते हैं ट्रिपल कैमरा का सपोर्ट और फ्लैश का सपोर्ट, जो कि आपका हुवाई मेट 20 के जैसा दिखने का मिल सकता है। फ्रेंड्स, इसमें आपके लिए और भी पता चलती है लीक के माध्यम से, कि इसमें आपके लिए वीवो के जैसा आपके लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल सकता है आपके लिए इस डिवाइस में। यही लीक्स आती है एप्पल की तरफ से, जो कि 2019 के स्मार्टफोन में आपके लिए देखने को मिल सकती है। फ्रेंड्स, इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट आता है हमारे पास हुवाई की तरफ से, जो कि हुवाई का मेट 20 प्रो स्मार्टफोन था, उसमें आपके लिए रेड एंड कॉमेट ब्लू कलर का भी ऑप्शन मिल जाता है। 10 जनवरी को आपके लिए वो दो कलर में अच्छे स्मार्टफोन मिल जाएंगे, दो कलर में वो स्मार्टफोन अवेलेबल हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप रेड कलर और कॉमेट ब्लू कलर को पसंद करते हैं और ऐसे फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन को पसंद करते हैं, तो आप जाके उस स्मार्टफोन को भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आता है हुवाई की तरफ से। फ्रेंड्स, हुवाई ने एक ऐसा पावरफुल CPU बना चुका है जिसका नाम है उनपेंग 920। ये एक ऐसा CPU बताता है हुवाई, जो कि एक बहुत फास्ट CPU होने वाला है और जिससे डिवाइस बहुत ही अच्छा बनेगा। ARM बेस्ड सर्वर है इसमें आपके लिए इस CPU में, तो इस तरह का ये CPU की खबर आती है हमारे पास हुवाई की तरफ से। फ्रेंड्स, इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट आता है वो हमारे पास आता है एक बहुत ही बड़े वैज्ञानिक, मतलब कि एलन मस्क के द्वारा एक लीक आती है, जो एलन मस्क की कंपनी है टेस्ला, जो कि एक इलेक्ट्रिक कार्स बनाती है। एलन मस्क चाहते हैं कि टेस्ला प्लेनेट, मतलब कि US के अलावा भी कहीं और स्थापित हो, तो ऐसा पता चलता है कि चाइना में भी वो डेवलप करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक कार्स को। और लगभग जो प्लान बनाया गया है वो समझे 1,00,000 कार्स का एवरेज बनाया गया है पर ईयर में इलेक्ट्रिक कार्स का, ऐसी खबर आती है हमारे पास टेस्ला की तरफ से। फ्रेंड्स, यही थी आज की टेक न्यूज़। फ्रेंड्स, अगर आपको ये टेक न्यूज़ अच्छी लगी, नीचे जाके वीडियो को लाइक करें, मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे, बिकॉज आपके लिए वहाँ पर भी कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अच्छे अच्छे टॉपिक और टेक न्यूज़ वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगी देखने को। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे बताएं आपको सबसे अच्छी टेक न्यूज़ कौन सी अच्छी लगी है और कौन सा आप सुझाव देना चाहते हैं, मैं उस पर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स, लाइक द वीडियो, कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज मैं उससे बहुत मोटिवेट होता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आगे मिलते हैं अपन किसी नई वीडियो में।